रामगढ़ के नजदीक एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मार मौके से फरार का मामला सामने आया तो आसपास के लोगों ने तुरंत ही डायल 112 व लोकल थाने में फोन कर इसकी सूचना पुलिस को दी। चश्मदीदों की माने तो पुलिस ने डायल 112 नंबर पर दुर्घटना की सूचना पाते ही लगभग आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची डायल 112। तो वहीं डायल 112 द्वारा बुजुर्ग को नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में लाया गया, जहां से उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें PGI चंडीगढ़ को रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बुजुर्ग कौन है, कहां के रहने वाले हैं और कहां को जा रहे थे, तो वहीं किस वाहन से उन्हें टक्कर लगी। आपको बता दें कि बुजुर्ग को दुर्घटना के वक्त अस्पताल लाए गए तब वह अर्धनग्न अवस्था में थे और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पता लगाने में लगी है कि बुजुर्ग व्यक्ति कौन है और किस वाहन की चपेट में आने से यह दुर्घटना हुई। जनाब, जो अभी आप व्यक्ति लाए इमरजेंसी केस में, कैसे सूचना मिली आपको? ये 112 पे कॉल आई थी हमारे पास, जो कि हम ये व्यक्ति मिला है रामगढ़ के फ्लाईओवर पे। ये ना तो इसका नाम पता है, ये बेहोश है फिलहाल, इसको इमरजेंसी में लेके आए हैं, अब इनको रेफर कर दिया है चंडीगढ़। इसकी जानकारी भी नहीं मिली कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसा नहीं? नहीं नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हमने जैसे देखा कि नग्न अवस्था में है व्यक्ति, तो उस हिसाब से किस थाने में सूचना गई है? ये PP सेक्टर रामगढ़ गई है, सूचना इनको सूचित कर दिया गया है। अभी व्यक्ति की कंडीशन देखकर कैसा लग रहा है, कि कहां तक मतलब जीवन है उसका? देखो, हम तो चाहते हैं जल्दी बच जाए, हमारी तो इच्छा है भी जल्दी बचे। 112 को उतनी दूर से यहाँ सेक्टर 6 लाने में क्या दिक्कत परेशानियाँ देखनी पड़ी? देखो सर, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आती है, आगे गायें वगैरह आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, रोड के ऊपर खतरा भी रहता है ज़्यादा। क्या आप लोगों को भी इमरजेंसी में बिल्कुल गाड़ी आपातकाल स्थिति कैसे चलाना पड़ता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलानी पड़ती है, क्योंकि बंदे की जान बच जाए। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि बंदे की जान बच जाए।